सहानी सब शरेआम उन्होंने कह दिया है, यहाँ मीर शीर नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा तो सिर्फ गुलाम नबी आजाद चलेगा। आला हाई कमांड जो है वो किसी फतूर में ना रहे, यहाँ मीर शीर नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा तो गुलाम नबी आजाद चलेगा। कांग्रेस में दो गुट बनते दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो चुका है। इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री योगेश सहानी है। सहानी साहब, कांग्रेस में दो गुट बनते दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो चुका है। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा शरेआम कह रहे हैं कि आला हाईकमांड जो है वो किसी फतूर में ना रहे, यहाँ मीर शीर नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा तो गुलाम नबी आज़ाद चलेगा। माय डियर, मेरे मित्र, आज पूरे भारतवर्ष में किसान विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज का एक ही टॉपिक है, मोदी की हार और किसान भाइयों की जीत। उसके लिए कभी पार्टी लेवल पे या पार्टी की अंदरूनी क्या बातें हो रही हैं, आज इस पे चर्चा नहीं होगी। लेकिन सहानी साहब शरेआम उन्होंने कह दिया है, यहाँ मीर शीर नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा तो सिर्फ गुलाम नबी आजाद चलेगा। मैंने एक ही चीज कही कि आज विजय दिवस है, आज जश्न मनाने का दिन है और भाजपा की हार हुई है, ये आज उसके लिए का दिन रखा गया, आज इसीलिए आज उसी टॉपिक पर बात होगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक भरे मंच से इस प्रकार का भाषण देना और सीधा सीधा चुनौती दे डालना कि आला हाईकमांड किसी फतूर में है, उस फतूर को वो कम करे, सीएम चेहरा गुलाम नबी आज़ाद ही होना चाहिए। और भी बहुत सारे आपके ऐसे मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, नेता हैं, जो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन तो हो नहीं रहा है, मीर को हम नहीं जानते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ किसानों की जीत का जश्न मनाएं। चलिए, तो योगेश सहानी कह रहे हैं कि आज सिर्फ और सिर्फ किसानों पर बातचीत होगी, क्योंकि देखिए सवाल हमारा ये था कि डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने बियालाचक में जब एक समारोह हुआ था, उस समारोह में गुलाम नबी आज़ाद भी थे, और डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने एग्जैक्टली क्या कहा था वो मैं आपको सुनाता हूँ। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में, यानी कि यहाँ पर मीर शीर नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद चलेगा। आला हाईकमान किसी फतूर में ना रहे कि वो ये सोचे कि ये तमाम जो नेता हैं वो जीए मीर की तरफ है, इसलिए उन्होंने ये कहा था कि यहाँ मीर शीर नहीं चलेंगे, यहाँ चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद चलेगा। तो योगेश सहानी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज सिर्फ और सिर्फ किसानों पर बातचीत होगी और साथ ही साथ जो है आज का दिन जो है वो किसानों के लिए मुकर्रर किया गया है, किसानों की जीत का जश्न जो है वो कांग्रेस मना रही है। लेकिन सवाल तो वही था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अब दो गुटों में जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है, एक गुट जो है वो जीएम मीर का बन चुका है और दूसरा गुट जो है वो गुलाम नबी आज़ाद का बन चुका है। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।